पहली दफा ऐसा लगा कि एमपी बहुत ज्यादा बैकफुट पे है और शायद पीपल्स पार्टी की वजह से है या लीग से जो पहले अगर देर हो रही है तो एमक्यू फ्रंकफुट पे है, इसका मकसद है बैकफुट पे क्यों होगी। एमक्यू ने इस दफा अपने लिए नहीं, जहाँ का मैंडेट है सिर्फ वहाँ का नहीं, पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के लिए मांगा है हुक्मरानों से, और कहा है कि ये सारे ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक नहीं पहुँचते उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। तो साबित करना है कि जमहूरियत है और इसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक पहुँचेंगे। मामला वही 3 आइनी तरमीम का है, हम बात करते रहेंगे चाहे कितना भी टाइम लग जाए, और इंशाल्लाह ताला इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान को कामयाब होना है। मज़ाकरात को कामयाब होना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद पाकिस्तान को कामयाब करना ज़रूरी है। मतलब जो लोगों जो चीज़ जी अच्छा ठीक है, दो बातें, एक तो ये कि वो कह रहे हैं बीच में हाइल हो रहे हैं, उनके और अमरदार मान कोई कदरे मुश्तरक ही नहीं है ना, उनको जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए नहीं, हमारे लिए इज्जत काफ़ी है और अपना नज़रिया काफ़ी है और अपने आवाम के दरमियान रहना काफ़ी है। सदारत वजारत वो लोग जिन्होंने जबर के दौर में सदारत में वजारत की खेचतानी की, जिन्होंने मार्शल अल्लाह में आमरियत की मिलावट की, जिन्होंने मज़हब में शरंगेजी की शरपसंदी की शरंगेजियाँ की हैं, जिन्होंने मज़हब में फितना परस्ती की फितना परवरी की है, उन वो और हम फ़र्क रखते हैं तो वो हमारे दरमियान आ नहीं सकते। जनाब कराची नहीं, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मसला ये कराची की जो आवाज़ है वो पूरे पाकिस्तान का दर्द उसमें छुपा हुआ है, और जो कराची का इलाज है वो पूरे से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होना है। तो हमने कहा है कि आप सिर्फ 3 तरमीम कर दें जिसका हुक्म आईन में दर्ज है, जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशन हो सकता है कि क्योंकि हम असेंबली में बैठेंगे तो बातचीत तो होनी चाहिए ना, हमारी बात को बर्दाश्त करने का कोई हद तैयार कर लेते हैं ताकि सब लोग अपनी हद में रहें। हो सकता है, दो बातें कि अगर हमें लगेगा कि जो एक आइन में तरमीम के लिए 2/3 की अक्सरियत की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो इसके लिए आमादा ना हो, लेकिन बहरहाल एमक्यू ने तैयारी कर ली है, हमारी सेनेटर साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने वो तरामीम जमा करा दी है सेनेट में, तो हमने तो पहला कदम उठा लिया है, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। सारे ऑप्शन है भाई, अपोजिशन में बैठना तो हमारे लिए सबसे बड़ा सियासी स्पेस वहीं रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।